हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को ज़रूर बजाइए, जिससे हमारे आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। जय श्री राम भक्तों भक्तों, आज हम कथा सुनेंगे एक चतुर ब्राह्मण और महाकंजूस सेठ की। रामनगरी में एक गांव था। उस गांव में धनी राम नाम के एक सेठ जी रहते थे। उनके पास धन दौलत की कमी नहीं थी, मगर वे कंजूस बहुत थे। एक बार वे दुकान पर खजूर खरीदने गए। दुकानदार ने जब खजूर के पैसे बताए तो सेठ जी बोले, ये तो बहुत ज्यादा हैं, तुम तो बहुत ठग रहे हो। जहाँ से तुम लाते हो वहाँ इतने में का थोड़ी मिलता है। तब दुकानदार ने कहा, जाओ तो फिर थोक रेट के पास चले जाओ। सेठ जी थोक रेट की दुकान पर पहुंचे और वहां पैसे पूछे। जब उन्होंने पैसे बताए तो वे सेठ जी को ज्यादा लगे और सेठ जी बोले, जहां से तुम खजूर लाते हो वहां इतने का थोड़ी मिलता है। दुकानदार चिढ़ गया और बोला, हाँ जी आप ठीक कहते हो, हम तो खजूर के पेड़ से ये सब कुछ लाते हैं, वहां तो बिल्कुल मुफ्त मिलता है, वहीं से जाकर ले लो। सेठ जी को यह बात भा गई। वे मन ही मन मुस्कुराने लगे और सोचने लगे, जब मुफ्त में चीज मिल रही है तो पैसे डालकर क्यों लें। वह खजूर का पेड़ ढूंढने के लिए चल दिए और आखिरकार खजूर का एक बड़ा सा पेड़ मिल गया। वह खजूर के पेड़ पर चढ़ गए। इतने सीधे और लंबे पेड़ पर चढ़कर उन्होंने खजूर तोड़ लिए, मगर उतर नहीं पाए। अब खजूर के पेड़ पर टंगे हुए घबरा रहे थे कि कैसे उतरें। जब वह पेड़ से नहीं उतर सके तो उन्होंने मन ही मन मनौती मानी कि अगर मैं पेड़ से नीचे उतर जाऊं तो मैं 100 ब्राह्मणों को भोजन करवा दूंगा। मनौती मानने से उनके मन में एक विश्वास सा उत्पन्न हो गया और वह आंखें बंद करके धीरे धीरे उतरे तो आधे दूरी तक उतर आए। आंख खोलकर उन्होंने देखा तो पछताने लगे, मैंने नाहक ही 100 ब्राह्मणों के लिए कहा, आधी दूर तो मैं उतर ही आया हूँ। अब उन्होंने कहा कि यदि मैं नीचे उतर जाऊं तो मैं 51 ब्राह्मणों को भोजन करा दूंगा। थोड़ा साहस करके इंच भर इंच नीचे उतरना शुरू कर दिया तो थोड़ा सा और नीचे उतर आए। अब एक चौथाई हिस्सा रह गया था। उन्होंने देखा कि उतरने के लिए चौथाई हिस्सा ही रह गया है तो वह बोले, मैं 21 ब्राह्मणों को भोजन करा दूंगा। उसी तरह से थोड़ा थोड़ा करके वह नीचे आ गए तो उन्होंने देखा कि अब तो 21 नहीं लेकिन 11 ब्राह्मणों को तो मैं भोजन करा ही दूंगा। फिर थोड़ा और सरक कर नीचे उतरे तो 2-3 फीट रह गए और वह कूद पड़े और फिर बोले, 11 ब्राह्मणों को नहीं, मैं 1 ब्राह्मण को भोजन जरूर करा सकता हूँ। अब सेठ जी ऐसे ब्राह्मण की खोज में चल दिए जो बहुत कम खाता हो। कई जगह ढूंढने पर भी उन्हें सामान्य खुराक वाले लोग मिले, बहुत कम खाने वाला नहीं मिला। आखिरकार कई लोगों के बताने पर उन्हें एक ब्राह्मण मिल ही गया। वह उसके घर पहुंचे। उसके घर पहुंचकर सेठ जी ने उसको प्रणाम किया और कहा, मुझे एक ब्राह्मण की दावत करनी है, इसलिए मैं आया हूँ। ब्राह्मण ने कहा, ठीक है, मुझे आपका निमंत्रण स्वीकार है। अब जो सेठ जी ने प्रश्न किया उसके लिए ब्राह्मण देवता तैयार नहीं थे। सेठ जी ने पूछा, आप कितना खा लेते हो? मैं 50 ग्राम तक मुश्किल से खा पाता हूँ, मुश्किल से बहुत हल्की हल्की 2 पूड़ियां बस। सेठ जी प्रसन्न हो गए और उन्हें लगा कि बस यही ब्राह्मण उचित है। उन्होंने ब्राह्मण से कहा, देखिए पंडित जी, मैं 9 बजे तक दुकान पर चला जाता हूँ, आप उससे पहले ही भोजन कर लीजिए। पंडित जी ने कहा, ठीक है। सेठ जी प्रसन्न मन से घर आए। सवेरे भोजन की तैयारी हो गई। 9 बजे तक सेठ जी पंडित जी का इंतजार करते रहे, मगर पंडित जी नहीं आए। धीरे धीरे 11 बज गए। आखिरकार थक हार कर सेठ जी अपनी दुकान पर चले गए और सेठानी जी से कह गए, देखो मैं जाता हूँ, मेरे पीछे पंडित आए तो उन्हें भोजन करा देना और 11 रुपए दक्षिणा में दे देना। 12 बजे के करीब ब्राह्मण जी आए। आते ही कराह कर बोले, पेट ठीक नहीं है, क्या करें, लेकिन निमंत्रण स्वीकार कर लिया था इसलिए भोजन करने चला आया। सेठानी जी उनके हाथ पांव धुलवाने के लिए ले गई। तभी पंडित जी फूट फूट कर रोने लगे। सेठानी जी हिचकिचा कर बोली, क्या हुआ ब्राह्मण देवता? ब्राह्मण बोले, क्या बताएं, आज के दिन तुम्हारी सास जी का ध्यान हो आया। वह मेरा निमंत्रण करती थी तो जब हाथ पैर धुलवाने लाती थी तो मुझे 11 अशर्फी देती थी। यह बात सुनकर सेठानी जी थोड़ा भावुक हो गई और बोली,
तो क्या हुआ पंडित जी, सासू जी नहीं रहे तो क्या, मैं तो हूं ही। ऐसा कहकर उन्होंने 11 शर्फियां पंडित जी को लाकर दे दी। उसके बाद पंडित जी के भोजन की थाली लगाकर उनके सामने रखी, आसन डाल दिया और पंडित जी भोजन करने के लिए बैठ गए। जब पंडित जी भोजन कर चुके थे तो फिर फूट फूट कर रोने लगे। सेठानी जी बोली, अब क्या हुआ? ब्राह्मण बोला, क्या बताऊं सेठानी जी, आपकी लक्ष्मी स्वरूपा सास मुझे 51 अशर्फियां भोजन करने के बाद देती थी और उसके बाद आटा चावल आदि सीधा अनाज पुण्य करती थी। सेठानी जी बोली, बस पंडित जी आप चिंता मत कीजिए, जो भी पहले होता रहा उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। आटा चावल तेल घी आदि सब सामान सेठानी जी ने बांध दिया। पंडित जी ने अपने घर को प्रस्थान किया। रात को जब सेठ जी आए तो उन्होंने सेठानी से पूछा, पंडित जी भोजन कर गए? सेठानी जी ने कहा, मैंने उन्हें विधि विधान से भोजन करा दिया, लेकिन बार बार रो रहे थे। बार बार क्यों रो रहे थे? सेठ जी ने पूछा। सासू माँ की उन्हें याद बार बार आ रही थी, लेकिन मैंने भी फिर कोई कमी नहीं छोड़ी। मैंने कहा, सासू जी नहीं है तो क्या हुआ, मैं तो हूँ ही। मैंने उनकी सब दान दक्षिणा पूरी कर दी। सेठ जी बुरी तरह से चौंके, कैसे दान दक्षिणा? सेठानी जी ने पूरा हाल बताया। सुनते ही सेठ जी का खून खौलने लगा। तुरंत उन्होंने लाठी उठाई और पंडित जी के घर की तरफ चल दिए। कंजूस सेठ के घर से इतना सामान लाकर पंडित जी को भी खटका लगा हुआ था, तो वह जानते थे कि सेठ जी जब आएंगे तो गजब हो जाएगा, इसलिए उन्होंने पहले से ही सारा इंतजाम कर रखा था। उन्होंने अपनी पंडितानी से कहा, सुनो जैसे ही सेठ जी आए तुम फौरन मुझे यह सफेद कपड़ा ढांक देना। ऐसा कहकर उन्होंने एक सफेद कपड़ा निकाला और आंगन के बीचों बीच थोड़ा सा गोबर के साथ लिपवा दिया और तैयार होकर बैठ गए। शाम को जैसे ही दरवाजा खटका, सेठानी जी ने दरवाजे की झरोखे से देखा, सेठ जी के हाथ में लट देखकर उन्होंने दौड़कर पंडित जी को बताया। पंडित जी तो फौरन आंगन में लेट गए। पंडितानी जी ने ऊपर से सफेद कपड़ा सिर से पैर तक उढ़ा दिया, दरवाजा खोलकर आई और धम्म से बैठ गई। अब उसका विलाप सुनकर सेठ जी का कलेजा कांप गया। पंडितानी रो क्यों रही है? आगे बढ़कर उन्होंने देखा कि पंडित जी कफन ओढ़े हुए आंगन में पड़े हुए हैं और पंडितानी रो रही है। पंडित जी हम सबको छोड़कर चले गए, अब हमारा क्या होगा, हमको भी साथ क्यों नहीं ले गए? सेठ जी ने सहमते हुए पूछा, इनको क्या हुआ है? अरे सवेरे अच्छे भले घर में बैठे थे, पता नहीं कहाँ का कोई सेठ आया और उनको अपने घर पर खाना खिलाने ले गया। पता नहीं उनको क्या खिलवा दिया। वहां से लौटे तो दे उल्टी दे दस्त दे उल्टी और हमारे पंडित जी हमको छोड़कर चले गए, कहकर वह फिर से दहाड़े मार मार कर रोने लगी। अब कहां से उनके कफन के लिए हम पैसे लाएंगे? कुछ भी तो नहीं है घर में, कैसे इनका अंतिम क्रियाकर्म करेंगे? सेठ जी घबरा गए और अपनी जेब से रुपए निकालकर पंडितानी को देते हुए कहा, लो इन रुपयों से इनका दाह संस्कार कर देना और बाकी जो जरूरी सामान होगा वह मैं घर से भिजवा दूंगा। ऐसा कहकर सेठ जी वहां से चले गए। फिर वहां से उन्होंने पंडित जी के दाह संस्कार के बाद के कार्यक्रम के लिए ढेर सारा सामान भिजवाया। पंडित जी का राशन पानी 2 महीने तक चला, उसके बाद राशन पानी खत्म हो गया तो उन्होंने सोचा कि चलकर देखूं। समय तो उनको पता ही था, सेठ जी 9 बजे दुकान पर चले जाते थे। 2 महीने तक पंडित जी ने दाढ़ी नहीं बनवाई थी, उनकी लंबी लंबी दाढ़ी हो गई थी। पंडित जी सेठ जी के घर पहुंचे, सेठानी जी उनको देखकर चकित रह गई। उन्होंने पूछा, पंडित जी आप तो मर गए थे। हाँ मैं मर गया था, मैं स्वर्ग से ही तो सीधा यहाँ आ रहा हूँ। पंडित जी को पता था कि सेठ जी की एक लड़की कई साल पहले स्वर्गवासी हो गई थी जिसे वह बहुत प्यार करते थे। पंडित जी ने कहा, मुझे वहाँ आपकी पुत्री मिली थी, जब उसे पता चला कि मैं यहाँ आता जाता हूँ तो वह मुझसे आकर कहने लगी, पंडित जी मेरे घर चले जाना, मेरी माँ और पिताजी का हाल चाल ले आना, उन्हें मेरी खबर दे देना, तभी मैं आपके यहाँ पुत्री का समाचार देने आया हूँ। यह सुनकर सेठानी जी भावुक हो गईं और उनके पास आकर बैठ गईं और बड़े ही चाव से अपनी पुत्री का समाचार पूछने लगीं। कैसी है मेरी पुत्री? पंडित जी बोले, क्या बताएं, आपकी पुत्री बहुत कमजोर हो गई है,
वहां कोई बढ़िया इंतजाम नहीं है, फल मेवा मिश्री खाने का इंतजाम नहीं है। मुझे ही देखती हो, मेरी कितनी बड़ी बड़ी दाढ़ी हो गई है, वहां कोई नाई नहीं है। तभी मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, आपकी पुत्री का समाचार आप तक पहुंचा दूंगा और अपनी दाढ़ी भी बनवा लूंगा। और अब मैं जाने वाला हूं, जो भी आपने अपनी पुत्री को देना और दीवाना हो तो मुझे दे देना, मैं उसके ले जाकर दे दूंगा। सेठानी जी ने अपनी पुत्री के लिए बढ़िया बढ़िया व्यंजन और तांगा भरकर राशन सामग्री दे दी। पंडित जी लेकर चले गए। जब शाम को सेठ जी आए तो सेठानी ने उन्हें कुछ नहीं बताया। इस प्रकार सेठानी जी का दिया हुआ राशन भी 2-3 महीने चल गया। इसके बाद एक दिन पंडित जी दोपहर को आकर सेठ जी के यहाँ उपस्थित हो गए। सेठानी जी पंडित जी को देखते ही खिल उठी और कहने लगी, क्या हाल चाल है पंडित जी? पंडित जी ने कहा, हाल चाल बहुत बढ़िया है, अब तो आपकी पुत्री तंदुरुस्त हो गई है। आपका दिया हुआ सामान देखकर वह बहुत खुश हो गई थी, उसने खूब खाया पिया, उसने तुम्हारा हाल पूछा, सेठ जी का हाल पूछा है, और जानती हो तुम नानी बन गई हो, आपकी पुत्री के लड़का हुआ है। अब तो सेठानी जी बहुत ही खुश हो गई। पंडित जी बोले, आपकी पुत्री ने कहा है, अम्मा से कहना कि नाती के लिए कपड़े और शगुन का सामान भेजें, और वह वहां दावत करेगी, इसके लिए राशन पानी भी भिजवा देना। सेठानी जी दौड़ दौड़ कर सारा इंतजाम करने लगी। उन्होंने एक तांगा बुलवाया और उसमें आटा चावल आदि राशन भरकर उनको दे दिया और जाते जाते कहा, पंडित जी मेरी पुत्री से कहना कि उसकी अम्मा उसको बहुत याद करती है। पंडित जी ने कहा, हाँ हाँ आ क्यों नहीं कह दूंगा, जरूर कहूंगा। और पंडित जी आंखों से ओझल हो गए। अचानक ही किसी कार्य से सेठ जी आए तो देखा सेठानी जी दरवाजे पर खड़ी थी। उन्होंने आश्चर्य से पूछा, यहाँ क्यों खड़ी हो, क्या कोई आया था? हाँ स्वर्ग से पंडित जी आए थे, आप नाना बन गए, जानते हो आप नाना बन गए हो। खुशी के आवेश में सेठानी जी ने सब बताया। नाना, मैं कैसे नाना बन गया? आश्चर्य से सेठ जी ने पूछा, ना मेरी कोई बेटी ना कोई भतीजी, भला फिर मैं कैसे नाना बन गया? अरे वह अपनी पुत्री जो बहुत समय पहले स्वर्गवासी हो गई थी, वही उसी के लड़का हुआ है, पंडित जी बता रहे थे। यह बात सुनकर सेठ जी को जैसे करंट लगा। सेठ ने चिल्लाकर कहा, क्या तुम्हारा दिमाग घूम गया है? उस पंडित ने कोई ऐसी वैसी बात बता दी होगी, कहीं वह तुमसे कुछ ठग तो नहीं ले गया? सेठानी जी बोली, मैंने कुछ खास नहीं दिया, पुत्री के बेटे के लिए सोने की चेन, एक टोकरी भरकर फल, आटा चावल दाल तेल घी, सीधा राशन भी मैंने रख दिया है। सेठ जी अपनी अकल की अंधी बीवी पर बहुत ही कुंठित हुए और क्रोधित होते हुए बोले, तुझे तमीज भी है? मरे हुए लोग कभी वापस आते हैं क्या? फिर कुरेद कुरेद कर उन्होंने सेठानी जी से पूरी बातें पूछ ली। सेठानी ने यह भी बता दिया कि पिछली बार पंडित जी आए थे तो उसने पुत्री के लिए सामान भेजा था, और मन ही मन उसे गालियां देते हुए सेठ जी पंडित जी के घर की तरफ चले। पंडित जी के पास पहुंचकर उनसे हाथ जोड़कर माफी मांगी और कहा, पंडित जी हमें क्षमा कर दो, दोबारा मैं कभी कम खुराक वाले पंडित जी को नहीं ढूंढूंगा। पंडित जी ने कहा, लेकिन हमेशा हर महीने 2 बार मुझे निमंत्रण करके खिलाना होगा, और मुझे 10 स्वर्ण मुद्राएं देनी होंगी, नहीं तो मैं फिर अपने तरीके से निपट लूंगा। सेठ जी ने तुरंत उसके चरण पकड़ लिए और कहा, नहीं मुझे माफ कर दो, मैं आपको हर महीने 2 बार दावत जरूर खिलाऊंगा। पंडित की चतुराई के कारण सेठ जी अपने कंजूसपने को भूल गए। भक्तों, अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें, और इस कथा को अधिक से अधिक शेयर करें, और हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जय श्री राम भक्तों।